नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आधार कार्ड सॉल्यूशन में। दोस्तों अभी मुझे तीन चार दिन पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आधार कार्ड के सारे सुपरवाइज़र और ऑपरेटर धरना प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं अपनी सैलरी इंक्रीज कराने के लिए, और सरकार द्वारा कुछ इंसेंटिव और मिले इसके लिए। अभी क्या होता है, अभी रजिस्ट्रार या ठेकेदार वगैरह कुछ एनरोलमेंट सेंटरों में ऑपरेटर सुपरवाइज़र को लगाते हैं, जहां उनकी सैलरी 5,000 से 6,000 रखी जाती है और काम बहुत होता है, इसलिए उनका शोषण होता है। तो सरकारों की को अवगत कराने के लिए कुछ साथी लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए गए थे। आप कुछ हम लाइव वीडियो भी दिखाएंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलते हैं आपको ले चलते हैं वहीं पर डायरेक्ट। अरे दोनों ने बोला कि सर हमारे पास कुछ नहीं है, आप कंपनी से बात कर लीजिए। और एक बार क्या हुआ सर, मेरा सिस्टम रीसेंट हो गया था, तो उसके बाद में सर मेरे को इतने धक्के खाने पड़े। एक मेरा जो अभी टेक्निकल देखता है भाई एपी सिंह जो राजस्थान के हैं, उन्होंने मेरी हेल्प की, न कंपनी ने हेल्प की, न बैंक ने हेल्प की, न यूआईडी ने हेल्प की, किसी ने हेल्प नहीं की। मैं बैठा था घर पे, अब मेरा बोला गया, मैं जब भी बोलता था मैंने कहा सर मेरे सिस्टम रीसेंट हो गया वापस करवा दो, तो मेरे को बोला घर पे बैठ जाओ, कोई मतलब नहीं है। अब आप ऐसा करो, अभी आप लोग क्या चाहते हो, आपके साथ क्या हो जाए, आपका सर जो मांगे हैं जो अभी हम लेके आए हैं, हाँ जो हमारी जो मांगे हैं वो पूरी कर दी जाए। और जो भी आधार ऑपरेटर गलती करता है तो उसका एक जैसे ई मित्र पे होता है जाति और मूल निवास चढ़ाते हैं, तो उसमें वो सैंड बैग का ऑप्शन देते हैं, उसमें वो दिक्कत होती है तो उसको बोल देते हैं कि इसमें ये दिक्कत है आप वापस भेज दीजिए। और टोकन भी एक बार कटता है सर, उसका टोकन भी एक बार कटता है। और ये यूआईडी वाले क्या है कि जितनी बार चढ़ाते हैं उतनी बार टोकन कटता है, वो भी हमारे जिस बार आप पैसे लिए जाते हैं लेकिन और आप देते नहीं, पेनल्टी भी लगाई जाती है अलग से, और कस्टमर भी हमें देते नहीं है। चलिए हमारे एक साथी और हैं, हम उनसे बात करेंगे। एक चीज़ और, एक मेरा फ्रेंड है जो आधार मशीन चला अभी पीछे, वो एकदम गरीब आदमी था, इतना गरीब था सर, मैंने उसको बोला कि आप आधार मशीन चला लीजिए, आपका रोजगार बन जाएगा, ठीक है ना। तो उस बंदे ने 90,000 रुपये की मशीन खरीदी और उसके सिक्योरिटी के 40,000 रुपये दिए, उसके बाद में जो मशीन चालू करवाई थी उसके भी प्रोग्रामर को भी 60,000 रुपये दिए, ऐसे करके सर 2,00,000 रुपये उसके घर के से लग गए। लेकिन उस बंदे ने लोन लेके सर ये मशीन खरीदी। और दूसरी चीज, मशीन खरीदने के बाद में जितने भी सिक्योरिटी थी वो भी जमा करवाई, सब सिस्टम करने के बाद उस बंदे के सर ओनली फॉर आधार कितने बनाए सर, हो सकता है कि 40,000 बनाए, और उस बंदे को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया और एक भी एरर नहीं था सर। और उस बंदे को ये भी नहीं बताया कि आपकी मशीन किस वजह से बंद कर रहे हैं, वो तो काफी कर्जे में आ गया। मैं कह रहा हूँ सर, उस बंदे का हालत ऐसा हो गया था कि मुझे बोला कि तुमने मेरे को बर्बाद कर दिया, और वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो। 26 साल एज है, आज मेरी एज 26 साल है, अभी बताओ मैं खेती करूं, बाड़ी करूं, दिहाड़ी जाऊं, मजदूरी जाऊं, बताओ क्या काम करूं, कहां जाऊं मैं। और ना तो मेरे को अब जॉब, ना तो मैं अब जॉब की तैयारी कर सकता, क्योंकि घर में मेन तो मुख्य मैं हूं, अगर मैं कोचिंग चला गया, लाइब्रेरी चला गया, तो घर हमारा फिर घर कैसे चलेगा। और जब मेरे को ऑन किया गया, मेरे को ऑनबोर्ड किया गया, तो मेरे से 30,000 रुपये भराए गए। आज मेरे को सिर्फ 21 मई 2021 को मेरे से रुपये भराए थे इन्होंने, और आज मेरे को सिर्फ 5 या 6 भी 21 मई को भराए थे, तो 5 पूरा 6 महीना हुआ है। तो अभी तक उन्होंने वो मेरे जो पैसे हैं वो मेरे को वापस नहीं दिए हैं। अभी मेरे को 6 महीने हुए चलाते हो, बताओ मैंने कितना काम किया है, और मैं 2018 से लगा था, 21 तारीख को पैसे भरवाए थे, अभी तक मेरे को 1 रुपया नहीं है। आपको मेरा अकाउंट चेक कर लो, अगर यूआईडी से या आईटी विभाग से मेरे को पैसा मिला, 1 रुपया भी नहीं मिला। जो 30,000 मैंने इनकी वो पैसे भरे थे सिक्योरिटी राशि, वो भी मैंने बजाज फाइनेंस पर लेके ये पैसे भरे थे, अभी तक मैं उसकी किस्तें भर रहा हूँ। तो बताओ अभी मैं यूआईडी से पूछना चाहता हूँ, अभी हम कहाँ जाएँ, किससे रोजगार मांगे, काम शुरू करते हैं, काम हम शुरू करते हैं, हमको निकाल दिया जाता है। अभी मेरे को बिना बताए 14 तारीख को मेरे को निकाल दिया। आप सरकार और यूआईडीआई से क्या कहना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्लैक लिस्ट करना बंद करो। हमें अगर एरर आते तो हमें सेंड बैक कर दो, इस बंदे का एरर है। गलती इंसान से होती है, मशीन से नहीं होती, गलती इंसान से होती है। ये पूछना चाहता हूँ सरकार से भी, सरकार ने जो किसानों के लिए वो लेके आए थे बिल, वो भी आपके गलती थी, बताओ फिर आपको प्रधानमंत्री पद से हटा दिया क्या, ये बताओ भी आपको प्रधानमंत्री पद से हटाया क्या किसी ने, नहीं हटाया, बताओ। आज हमें तो आप पैसे लेके हटा देते हो, बताओ हम अभी काम कहाँ पर जाएं, रोड पे आ गए कहाँ, रोड पर क्या, हम तो
रूढ़ी पे आ गया, रूढ़ी बोलते ना कचरे कचरे ढेर के पास बैठे हैं, हमारी तो कुत्ते जैसी हालत है सर। अभी हम यहाँ आए हैं ना तो अभी मैं मेरी माँ से 1500 रुपए लेके आया हूँ, खाने खाने के लाले पड़ गए। बहुत बहुत कष्ट सर जीवन आपका व्यतीत हो रहा है। हाँ जी कष्ट क्या सर, ऐसे लगता है हम फांसी ले लें यहाँ UID के पास जाके मर जाए, इससे अच्छा है। बड़ी समस्याएं हैं। आइए एक भाई और है, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या कहना है इस पूरे धरने में। सभी मीडिया भाइयों को जो यहाँ पर आए हैं उन सभी का बहुत धन्यवाद, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ इन सभी आधार ऑपरेटरों का दर्द जनता तक सरकार तक पहुँचाने के लिए। हमारी ऑल इंडिया आधार ऑपरेटर की जो यूनियन बना रखी है वो सभी पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि देखो आधार अगर हम इतिहास की बात करें कि आधार एक ऐसा मॉडल बनाया गया था जिसके माध्यम से जो शोषण चल रहा है यही कहीं एक एकीकरण किया गया और इससे बहुत अच्छा मतलब गवर्नमेंट को प्रॉफिट हुआ और जिन लोगों को सेवाएँ चाहिए थी उन्हें सेवाएँ मिली, ये आधार का बेसिक मोटो था। लेकिन इन आधार को चलाने के लिए जो योगदान आधार ऑपरेटर ने दिया था ना वो कभी नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल जमीनी इस आधार के जो हमारे आज 140 करोड़ की जनसंख्या है वो एक से लेकर 140 करोड़ तक पहुंचाने में सभी हमारे आधार ऑपरेटर का बहुत अच्छा योगदान है। कई हमारे ऑपरेटर ऐसे इनको 10-10 साल हो चुके हैं इस सिस्टम में कार्य करते करते, उनको बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है। लेकिन आज जब एक इन हाउस मॉडल का लेटर ये निकालते हैं कि जो सरकार के द्वारा नियमित बंदे हैं उन्हीं को कार्य दिया जाएगा, बाकी सारा आउटसोर्स मॉडल खत्म किया जाएगा, जबकि सरकारी कर्मचारी के पास तो पहले से ही जॉब है। बिल्कुल जॉब सभी के पास है, मैं वही कहना चाहता हूँ कि सरकार के मानसिक पटल में एक प्रश्न पक्का होगा कि फाइनेंस मॉडल को देखा जाए तो इतने सारे लोगों को सैलरी कहाँ से देंगे कि जो हमारा प्रोजेक्ट आज खत्म होने पर आ गया है, जो हमारा प्रोजेक्ट का एक हमारा विजन था वो फिनिशिंग लेवल पर है लेकिन अब फाइनेंस की दिक्कत उनके सामने आ रही है कि उनको फाइनेंस कैसे दिया जाए। तो फाइनेंस का इतना बड़ा प्रश्न है तो मैं ये कहता हूँ जो हमारे MP और MLA विधायक बनते हैं अगर वो एक दिन के लिए विधायक बन जाते हैं तो उनको जीवन भर के लिए पेंशन दी जाती है, है? और अगर यही बात की जाए तो हमारे जो मिलिट्री वाले भाई हैं उनको 4 साल के लिए भी जो योजना चल रही थी अग्निवीर के अंदर तो उनको पेंशन देने में तकलीफ क्यों होती है, बल्कि वो तो बॉर्डर पर जाके अपनी जिंदगी दांव पे लगाते हैं। और यहाँ तो बेचारे हमारे आधार ऑपरेटर भाइयों ने पूरा अपना कहने की जवानी एक जवानी लगा दी। अब घर परिवार की बात करें, भाई साहब ने भाइयों ने बहुत अच्छे दर्द बताए हैं। मैं भी पहले CAC कंपनी के अंदर था, 7 साल टेक्निकल पोस्ट पे काम किया है तो आधार ऑपरेटरों के दर्द को बहुत अच्छी भली भांति तरीके से जानते हैं। जैसे भाई साहब ने कहा कि 2 से 2.5 लाख के आधार की मशीन आती है, अगर सरकार को टारगेट पूरा करना ही था तो भाई साहब मशीन कीमत आप 10,000 रुपये रख देना, आप मशीन कीमत 10,000 रुपये रखो ताकि ऑपरेटर उसको खरीदे अपना काम करें। मशीन की कीमत ही 2 लाख रुपये है और 2 लाख के बाद जैसे भाई बता रहे हैं बैंक वाले, देखो पहले ये सारा काम जो था ना CAC के माध्यम से ये दुकानों तक काम स्टार्ट किया गया था, दुकान दुकान के बंदों ने काम स्टार्ट जो साइबर कैफे थे और जनता को बहुत सहूलियत हुई थी, जनता को बहुत अच्छा लगा था कि हमारे घर से एक कदम बाहर निकालो और अपना आधार बढ़वा लो, बड़ी बड़ी लाइनों में काम करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर गवर्नमेंट प्रमाइसिस का मॉडल चलाया गया 2018 के लमसम, उसमें क्या होता है कि ये मशीनें गवर्नमेंट प्रमाइसिस में शिफ्ट कर दी जाएंगी, उनसे उनकी पूर्ति नहीं हुई। फिर आगे क्या प्लान चेंज किया गया कि अब इन मशीनों को हम बैंकों के माध्यम चलाएंगे, इन मशीनों को पोस्ट ऑफिस के माध्यम चलाएंगे। बैंकों के आदर से चलाने पे होता क्या था, जैसे SBI बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, उन्होंने नीचे वेंडर रख लिए, अब वेंडर क्या करता है कि भैया आपको आधार की मशीन चाहिए आ जाओ आपको इस फलाना लोकेशन पे जगह देंगे, तो भाई कितना देना पड़ेगा, वैसे 50,000 रुपये, बोला अच्छा, बोलो और क्यों लोकेशन है, बोलो फलानी लोकेशन है वहाँ का देना पड़ेगा 10,000 रुपये, भाई ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक कम है या ट्रैफिक ज़्यादा है, मतलब सरकार ने के हिसाब से ऑपरेटर से पैसे लिए जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है जो सरकार बैठी है UID के आला अधिकारी बैठे हैं जो वो हर एक मॉडल को ऊपर से धरातल तक चेक कर रहे हैं तो बीच में कमियां क्यों निकल रही हैं, क्यों इन भाइयों का शोषण किया जा रहा है।